वो भाई 67 का एक्टिवा माइलेज दे रही है ना। यहाँ पर DRLs मिलते हैं। होंडा अपने कस्टमर के साथ में यहाँ पर धोखाधड़ी बिल्कुल भी नहीं करता है। मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। भाई किसी को स्कूटर चाहिए मतलब एक्टिवा चाहिए, भाई बहुत से लोग तो स्कूटर को ही एक्टिवा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूटर सेगमेंट में एक्टिवा बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ख़रीदते भी हैं। अभी अपने साथ में है होंडा एक्टिवा 125। यदि आप अपने लिए इस सेगमेंट में एक बेस्ट स्कूटर सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इस स्कूटर के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। भाई वीडियो को बिना स्किप किए पूरे जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। इसमें आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। अभी अपने साथ में व्हाइट एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच एंड प्रीमियम लग रहा है। आइए बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और वजन की। इस स्कूटर का कर वेट है 109 kg, यानी कि ये स्कूटर 109 किलो का है। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 162 mm का और इसकी सीट हाइट है 712 mm की। भाई जिस किसी की भी हाइट कम है ये स्कूटर उनके लिए ज़बरदस्त है। इसकी लेंथ है 1850 mm की, विड्थ है 707 mm की, हाइट है 1170 mm की। इसमें व्हील बेस मिलता है 1260 mm का। आइए अब इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से देख लेते हैं। ये है इस स्कूटर की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इसकी प्रॉपर राइट प्रोफाइल, और भाई ये है इसकी प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिए हेड हैंडल ORBM का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है। हेड इसमें डुअल टोन में दिया गया है, इधर ये वाइट कलर मिलता है, इधर ये ब्लैक कलर मिलता है। हेडलाइट की अगर बात की जाए इस स्कूटर में फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, जो कि इग्निशन के ऑन होते ही इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। लो बीम हाई बीम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए काफ़ी अल्टीमेट। इधर भी आपको डुअल टोन मिलता है, यहाँ पर ये ब्राउन और ग्रे का कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है। नीचे की तरफ इधर ये देखिए वाइट कलर दिया गया है। साइटन इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में दिए गए हैं, लेकिन भाई यहाँ पर स्कूटर के लुक को इन्हेंस कर रही है इसके DRL। ये देखिएगा, मैं दोबारा से दिखाता हूँ ऑन ऑफ करके, तब समझ में आएगा अच्छे से। अभी मैं सनलाइट में हूँ, नेचुरल लाइट में हूँ। ये देखिएगा है ना, यहाँ पर DRLs मिलते हैं। सेंटर में यहाँ पर स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए, फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। फ्रंट मडगार्ड डुअल पार्ट में है, इधर ये पीछे की तरफ फाइबर मिलता है, आगे की तरफ ये मेटल में दिया गया है। इधर ये देखिएगा, इधर ये एडिशनल प्रोटेक्शन लगा कर दी है। फ्रंट मडगार्ड पर दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में 12 इंचेस का अलॉय व्हील दिया गया है, अलॉय का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है। बात कर लेते हैं टायर की, MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। ये देखिएगा ट्यूबलेस है। फ्रंट टायर साइज है 90 90 12, और फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। इस स्कूटर में CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम 2-3 वेरिएंट में आता है। डिस्क में भी ले सकते हो, ड्रम में भी ले सकते हो। डिस्क में फ्रंट व्हील में 190 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें नेशन के कैलिपर्स मिलते हैं। मुझे होंडा की एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, चाहे आप इनके बेस मॉडल लीजिए यानी कि लोअर क्लास की बाइक या फिर स्कूटर लीजिए, या फिर हाई एंड इसकी, या फिर हाई एंड इनकी आप सुपर बाइक वगैरह लीजिएगा, तो वहाँ पर भी आपको नेशन के ही कैलिपर्स मिलते हैं। होंडा अपने कस्टमर के साथ में यहाँ पर धोखाधड़ी बिल्कुल भी नहीं करता है। मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा, पैर रखने के लिए कुछ इतना स्पेस मिल जाता है। इधर ये मैटी वगैरह अलग से लग जाएगी। लेफ्ट साइड में इधर ये देखिएगा, बोतल वोटल रखने के लिए कुछ इतना स्पेस मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। राइट साइड में इधर कुछ नहीं है, फोल्डेबल हुक दिया गया है, ये भी सही है। कैसे खुलेगा? अच्छा, ऊपर की तरफ खुलेगा। यहाँ पर नीचे की तरफ ये भी फोल्डेबल है और ये भी ऊपर की तरफ खुलेगा। ये हुक मुझे इसका ठीक लग रहा है, क्वालिटी इसकी भी अच्छी है। राइट साइड में इधर ये इग्निशन को दिया गया है, शटर बटन दिया गया है, फ्यूल एंड सीट को ओपन करने के लिए इधर ऑप्शन है, बटन है। ये देखिएगा, दो चाबियाँ ऑफर की गई हैं, नॉर्मल चाबियाँ, कोई भी वेब की नहीं है, लंबी वाली चाबी है। इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। हैंडल के डिज़ाइन को दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके का है। ये देखिएगा, सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर इंडिकेटर स्विच, लो बीम हाई बीम पासिंग, उसके नीचे साइटन इंडिकेटर और उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। इसके यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, रियर ब्रेक लीवर जो है यहाँ पर ये होल्ड वाला लीवर दिया गया है। राइट साइड में यहाँ पर ये देखिए आइडियल स्टार्ट स्टॉप और सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया गया है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है
कुछ इस तरीके से होती है। ये देखिएगा सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग में दिया गया है, PGMFI फ्यूल इंजेक्शन को मेंशन किया है। इधर ये देखिए एक डिस्प्ले मिलती है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। इधर ये बटन मिलता है ट्रिप, अरे भाई अच्छा इसमें आप एवरेज भी देख सकते हो, ये देखो रेंज यानी कि DTE मिलता है, ये ट्रिप, अच्छा ट्रिप इसमें एक ही मिलती है, यहाँ पर ये फ्यूल गेज, ऊपर की तरफ डिजिटल क्लॉक मिलती है, साइटर इंडिकेटर इधर मिलते हैं, आई बीम इधर मिलता है, कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर दिया गया है, ये देखिएगा सेंट्रल स्टैंड भी मिलता है, पिलियन फुट पैड ये एल्यूमिनियम में है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। इधर ये देखो इसके लुक को सबसे ज़्यादा इन्हेंस तो यही कर रहा है, क्रोम का पार्ट दिया है, एक्टिवा 125 को इधर ये मेंशन किया गया है, और ये भी मेटल में है, यहाँ पर कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की है होंडा ने। इधर ये ESP को मेंशन किया है। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की, रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया है। भाई इस स्कूटर में किक स्टार्ट का भी फीचर दिया गया है, होंडा की ब्रांडिंग है। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ आप बिल्कुल ठीक समझे, इस स्कूटर के इंजन की। इस स्कूटर में कंपनी ने 124cc का सिंगल सिलेंडर एयरकूल BSXFI 4 स्टॉक 2 वॉल्व होंडा कंपनी का एक जबरदस्त इंजन लगाकर दिया है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.19 BHP की 6250 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.4 Nm का 5000 RPM पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है, एंड इसी के साथ साथ ये माइलेज भी काफ़ी अच्छा निकाल कर देता है। माइलेज एंड सर्विस के बारे में आपको प्रॉपर आगे बताऊंगा। बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, पीछे वाले पहिए में 130mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, और रियर में 10 inches का अलॉय व्हील दिया गया है। टायर मैं आपको दिखा देता हूँ, MRF कंपनी का है, ट्यूबलेस है, टायर प्रोफाइल है 90, 100, 10, और ये टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की है। ये है इस स्कूटर की प्रॉपर रियर प्रोफाइल, ये देखिएगा। इधर ये एक्टिवा 125 को मेंशन किया है, और एच शेप में इधर ये क्रोम मिल जाता है, टेल लाइट हेलोजन बल्ब के साथ में है, ये देखो साइटन इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ में है, E20 का सपोर्ट मिल जाता है। इस स्कूटर में 5.3 या फिर 5.5 लीटर की फिल्टरिंग कैपेसिटी है, इसको मैं आपको आगे से ओपन करके दिखाऊंगा, इधर से ओपन नहीं होगा, चाबी लगाने का सेक्शन इधर नहीं है, आगे ही है। नंबर प्लेट लाइट ही, टेल लाइट ही नंबर प्लेट लाइट का भी काम कर देती है। इधर ये रिफ्लेक्टर, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसके एग्जॉस्ट का पैटर्न को जिस तरीके का है, सिंगल बैरल एग्जॉस्ट है, कॉम्पैक्ट है, इधर ये सिंगल मफलर है, इधर ये एडिशनल प्रोटेक्शन है ऑयल चेक करने के लिए, इधर ये देखो एक्टिवा 125 पिलियन फुट पैड एल्यूमिनियम में है। आइए अब मैं आपको फ्यूल कैप ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा फ्यूल एंड सीट, फ्यूल यहाँ से ये ओपन हो गया, इधर ये मैनुअली करना होगा, ये देखिएगा ठीक है, अरे भाई हो गया बंद। अब मैं आपको सीट ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ से ये देखिए कुछ इतना स्पेस इसमें मिलता है, मीडियम साइज का हेलमेट आ जाएगा, बड़ा वाला हेलमेट इसमें नहीं आएगा भैया, स्पेस मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। इधर ये टूल किट और इधर ये फर्स्ट एड किट, कुछ इतना स्पेस इसमें है भाई। इसमें LED लाइट नहीं दी गई है अंदर की तरफ, स्पेस भी थोड़ा कम है यार, बंद कर देता हूँ। थोड़ी सी सेंटर में पावर लगानी होती है। अब इस स्कूटर को स्टार्ट कर लेते हैं, इसका इंजन साउंड एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। अरे सिंगल अटेम्प्ट में स्टार्ट हो गई, साइलेंट स्टार्ट का फीचर है। इंजन साउंड सुनिए, इधर ये फैन लगा हुआ है, फैन कूल इंजन है, साइलेंसर, थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ, स्पीडोमीटर का जो कनेक्शन है वो पीछे वाले पहिए से है, ये देखो, और रियल टाइम एवरेज भी देख सकते हैं। 40 पर चलाते हैं इसको, देखते हैं एक्टिवा कितना माइलेज देती है। बस 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 बस, ओ भाई 67 का एक्टिवा माइलेज दे रही है, गजब। यहाँ पर ये आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन है, कोई भी डेडिकेटेड यहाँ पर नहीं, इंटीग्रेटेड इंजन किल स्विच नहीं है, यहाँ से ही बंद करनी होगी।
आइए बात कर लेते हैं इस स्कूटर के प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। गाइस, होंडा कंपनी अपने इस नए स्कूटर पर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 36,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई 125 सीसी का स्कूटर है, लगभग 50 के आसपास, 50 के आसपास आप इससे माइलेज निकाल सकते हो। फिर ये डिपेंड करता है स्कूटर कंडीशन, राइड कंडीशन और रोड कंडीशन पर भी। आइए बात कर लेते हैं इसकी सर्विस की। कंपनी अपने इस नए स्कूटर पर 3 सर्विस फ्री देती है, शेड्यूल भी बताता हूँ। इसकी पहली सर्विस होगी 750 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में, लगभग 15 दिन से 30 दिन के अंदर। दूसरी सर्विस होगी 5500 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर के बीच में, 165 दिन से 180 दिन के बीच में। तीसरी सर्विस होगी 11500 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर के बीच में, लगभग 350 दिन से 365 दिन के अंदर। ये सर्विस का मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है। जब भी आप इस स्कूटर को कहीं से भी खरीदें तो वहाँ डीलरशिप से और शोरूम वालों से ज़रूर पूछ लें। अब बात कर लेते हैं इसके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। इस स्कूटर में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे। अभी अपने साथ में अलॉय डिस्क वाला वेरिएंट है, यानी कि टॉप एंड वेरिएंट है। इसके ऊपर भी एच स्मार्ट वाला वेरिएंट आता है, ठीक है, लेकिन अभी अपने साथ में चाबी वाला वेरिएंट है टॉप मॉडल में। इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 88,000 रुपए। ऑन रोड आते आते ये स्कूटर आपको पड़ जाएगा लगभग 105,000 रुपए के आसपास। भाई प्राइस का आपके बोल रहा फाइडिंग माने, हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। आइए बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन की, यानी कि प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट की। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज की, प्लस पॉइंट की। भाई होंडा का जो भरोसा है ना स्कूटर सेगमेंट में, सबसे टॉप लेवल पर है। भाई किसी को स्कूटर चाहिए, मतलब एक्टिवा चाहिए, तो ये तो यहाँ से पास हो गया। दूसरे प्रोज की अगर बात की जाए, इसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं, डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, किक स्टार्ट का फीचर मिल जाता है, एंड इसमें आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और तो डिज़ाइन भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त है। बात कर लेते हैं इसके कॉन की। जो मैंने फील किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। भाई इसमें कोई भी USB A पोर्ट नहीं मिलता चार्जिंग के लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई होंडा कंपनी अपने एक्टिवा में इसको अपडेट करे। बूट में इसमें लाइट नहीं मिलती है, जबकि हीरो के 110 सीसी वाले स्कूटर में मिल जाती है। ये फीचर भी मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें और भी आ जाएँ तो भाई इसको वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर का अवार्ड जो है मेरी तरफ से मिल जाएगा। भाई इस स्कूटर की मैं राइड करूँगा, इसके साथ में जो भी मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। और यदि आप इस सेगमेंट में जो भी और स्कूटर आते हैं आपके माइंड में और भी चल रहे होंगे, ठीक है, उनके साथ में यदि आप इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए जल्द से जल्द कोशिश करूंगा वो वीडियोस लाने की। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए ओवरऑल, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो जो है आपको तभी देखने को मिलेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जैसे ही वीडियोस अपलोड होगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। हाँ, अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। जो कंपनी एक पैकेज दे रही है ओवरऑल, उसके अकॉर्डिंग ये स्कूटर मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों बस फिलहाल अपनी इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज और इंपॉर्टेंट वीडियोज, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोज, समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। इंस्टाग्राम एंड FB पर भी फॉलो कर लीजिए।